में बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बच्चों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है। निगम, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग की पूरी टीम इस बस्ती में पहुंची है। उड़िया बस्ती में जांच ये टीम कर रही है। आपको बता दें कि दूषित पानी से बच्चों की मौत की आशंका जताई जा रही है। लोगों की कंप्लेंट करने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जलदाय विभाग, नगर निगम, यहां तक कि स्वास्थ्य महकमा इस बस्ती में पहुंचा है और जांच की जा रही है। सहयोगी मुकेश सोनी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर। मुकेश, तीनों अलग अलग विभागों के अधिकारी पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मामला सामने आने के बाद आज तीन विभागों के अधिकारी जो है अलग अलग वहां मौके पर पहुंचे हैं, खास करके जलदाय विभाग के अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी। तीनों अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और बस्ती का जायजा लिया है। वहां जो पानी के सैंपल थे वो लिए हैं। चिकित्सा विभाग की टीमों ने जो है आसपास नालों का छिड़काव किया है और नगर निगम की टीम ने जो आसपास जो नाले थे, गंदे नाले थे जहां से पानी की पाइपलाइन होकर गुजर रही थी, वो नालों की सफाई को काम शुरू किया गया है। इसके अलावा जो वहां जो लोग रह रहे हैं बस्ती में, जो लोग रह रहे हैं उनके भी सैंपल लिए हैं, उनके सैंपलों की जाँच की जाएगी। कहीं कोई पानी की दूषित पानी पीने की वजह से कोई किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है। हालांकि जो बात सामने आ रही थी किसी तरीके की कोई ना तो कोई डायरिया है ना कोई कुछ और बीमारी है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पे चिकित्सा विभाग की टीमों ने वहां सैंपल लिए हैं और आसपास का जो गंदा जो इलाका था वहां एमएलओ का छिड़काव किया जा रहा है। पूरी स्थिति जो है वो सैंपल की जांच के बाद ही पता चल पाएगी। फिलहाल जो है चिकित्सा विभाग की टीम, नगर निगम की टीम और जलदाय विभाग की टीमों ने वहां से सैंपल कलेक्ट किए हैं और जांच जारी है। बिल्कुल मुकेश, जो भी टीमों के अधिकारी वहां मौजूद हैं, क्या आपकी बातचीत उनसे हो पाई और क्या ये सवाल आपने किया कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि लोगों की जान चली गई, बच्चों की जान चली गई और उसके बाद यहां पर निरीक्षण करने लोग पहुंचे? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य अधिकारी से जब हमारी बात हुई डिस्ट्रिक्ट में, जब हमारी जब बात हुई तो उन्होंने इस तरीके का बात बताई कि हो सकता है कि कुछ खाने में, कुछ बच्चों के कुछ खाने में आया हो, समय से इलाज नहीं मिला हो, ये भी कारण हो सकता है। हालांकि भी फिलहाल जो है वो जो बच्चों की मौत के मामले में भी जांच की जा रही है कि आखिर किन कारणों से बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा जो और भी बच्चे हैं या और वहाँ जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं कि कहीं कोई बीमारी, किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर चिकित्सा अधिकारियों ने ये बात कहने से साफ इनकार कर दिया कि किसी तरीके की कोई बीमारी बच्ची में है। ठीक है मुकेश, हालांकि सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, क्या कुछ सैंपल्स के बाद रिपोर्ट निकल कर आएगा।